अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन लज्जत में आज हम बना रहे हैं लेमन लोफ केक। व्यूअर्स, लेमन लोफ केक बनाने के लिए हमने जो अज्जा लिए हैं इनको नोट कर लीजिए। 1.5 कप हमने यहाँ पर ऑल पर्पज फ्लावर लिया है, 1/2 कप शक्कर ली है और 1/2 कप ही दूध भी लिया है। यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं बड़े, 100 ग्राम सॉफ्ट एंड बटर लिया है, 2 टीस्पून लेमन जेस्ट लेंगे और 2 टेबल स्पून ही हम यहाँ पर लेमन जूस डालेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे राइस करने के लिए केक को, 1/2 टीस्पून सॉल्ट जाएगा, ऑयल जाएगा 2 टेबल स्पून। अब हमने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसमें हमने शुगर डाल दिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं लेमन जेस्ट, सिर्फ येलो पोर्शन लेना है, व्हाइट पोर्शन से जो है केक कड़वा हो जाएगा, इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ में सिर्फ येलो पोर्शन लीजिए। देखिए यहाँ पर जेस्ट 2 टीस्पून हो चुका है और हम शक्कर के साथ में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो है शक्कर में इसकी पूरी जितनी भी इसकी फ्लेवर है जेस्ट का वो अच्छी तरीके से इन्हेंस हो जाए। सॉफ्ट मक्खन मिला रहे हैं, गर्मी है तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा ये सॉफ्ट हुआ, और अगर सर्दी के दिन है तो फ्रिज से निकाल के बाहर रख दीजिए तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। अनसाल्टेड बटर है ये और आप हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे ऑयल, 2 टेबल स्पून मिलाना है और अब हम जो है इसे अच्छी तरीके से विस्क की मदद से फ्लफी कर लेंगे, एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहेंगे। बस देखिए ये फ्लफी हो चुका है और पेल येलो कलर का हो जाना चाहिए, इसके बाद हम इसमें एग शामिल करेंगे, 1/1 करेंगे हम। पहले एग को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए ये सारी चीजें जो है मिक्स हो चुकी है, 30 ml टेबल स्पून लेमन जूस डाल रहे हैं देखिए हम यहाँ पर। देखिए अभी हम इसमें ऑल पर्पज फ्लावर मिलाएंगे, छान के मिलाना है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डालेंगे और इसको भी हम अच्छी तरीके से छान लेंगे और साथ ही डालेंगे सॉल्ट, 2 पिंच सॉल्ट डालना है। देखिए अब हम इसको मिक्स करेंगे और इस तरीके से मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से कि ये फ्लावर जो है ये कहीं भी ड्राई ना रहने पाए, सारा मिल जाए लिक्विड में। देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है सारा और अब जो है हम इसमें मिल्क मिलाएंगे और दूध डाल के भी हम अच्छी तरीके से जो है इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम मिक्स की मदद से इसको स्मूथ कर लेंगे। देखिए ये मोल्ड हमने ले लिया है, इसमें हमने एल्युमिनियम फॉइल लगाई है, आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं या सिर्फ ग्रीस भी कर सकते हैं। और देखिए अब हम ये बैटर इसमें डाल रहे हैं मोल्ड में, चेक करेंगे इसको, 160 डिग्री सेल्सियस पे ओवन को हमने प्री हीट करने रख दिया है। इस बेकिंग मोल्ड को हम ओवन में रख रहे हैं बीच वाले पोर्शन में, अभी हम इसे 40-50 मिनट के लिए ओवन में रखेंगे। और यहाँ पर अब हमने लिया है आइसिंग शुगर, 1/3 कप लिया है। अब हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे ताकि हम इसको केक के ऊपर ड्रिजल करेंगे और इसके साथ जो है 2 टेबल स्पून हम लेमन जूस डालेंगे और अब इसको हम मिक्स कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, इसको मिक्स करके एक पेस्ट बनाएंगे। बिकॉज डेकोरेशन के लिए हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल रहे हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो मत डालिएगा, आप चाहें तो व्हाइट भी रख सकते हैं। व्यूअर्स मैंने इसको ग्रीन कर दिया है। 40 मिनट के बाद हमने केक को ओवन से निकाल लिया है और ये बन के तैयार हो गया है। थोड़ी देर के लिए हम जो है इसको कूल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको निकालेंगे। अब हम इसको ड्रिजल कर रहे हैं, देखिए इसको हमने जो है डेकोरेशन की कर दिया है। व्यूअर्स इसको इसी तरीके से बनाइए, हमें दुआओं में याद रखिए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।